तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। धोखेबाज चीन ने फिर भारत को धोखा दिया है। चीन ने मिसाइल मार गिराने का टेस्ट किया। बातचीत के नाम पर चीन धोखा दे रहा है। एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी तरफ मिसाइल मार गिराने का टेस्ट कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को लक्ष्य करके ये टेस्ट किया गया है। 5300 मीटर की ऊंचाई पर मिसाइल को मार गिराया गया। तो एक तरफ भारत से बातचीत और दूसरी तरफ टेस्ट। ये चीन की पुरानी आदत रही है, फितरत रही है। बीजिंग में सीमा विवाद को लेकर एक तरफ बातचीत जारी है, वहीं पीएलए ने मिसाइल टेस्ट किया है और जाहिर से तनाव बढ़ सकता है। मोदी जिनपिंग के बीच मुलाकात की भी संभावना थी और कूटनीतिक मुलाकात के जरिए सीमा विवाद को कुछ हद तक सुलझाने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 5300 मीटर की ऊंचाई पर मिसाइल को मार गिराया है और ये बताया जा रहा है कि क्या ये ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत का सबसे बड़ा हथियार, भारत की सबसे बड़ी ताकत है, क्या उससे चीन को डर लग रहा है और उसे टारगेट करके एक टेस्ट किया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल को हम कैसे मार गिरा सकते हैं। तो 5300 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्मोस मिसाइल को लक्ष्य करके ये टेस्ट किया गया, ये खबर है। तो बीजिंग में बातचीत और मोदी जिनपिंग के बीच मुलाकात की भी संभावना, लेकिन इस बीच चीन, जो हमेशा से पुरानी फितरत रही है उसकी धोखा देने की, पीठ पीछे वार करने की, वही चीन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। छेड़छाड़ के आरोपी मौलाना